हेलो दोस्तों, इंडिया से नए नए आए हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके नहाते वक्त बहुत ही काम आने वाली है। हो सकता है कि आपके साथ कोई क्लोल होने से बच जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई वॉशरूम की लाइट्स ऑन करना है। इंडिया में क्या होता है कि स्विचेस ऐसे काम करती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। यहाँ के ऊपर आप ऐसे करोगे तो लाइट्स ऑन हो जाएगी। और सेकेंडली बात है इसकी, अगर तो ये सेंटर में है तो इसका पानी कोल्ड और हॉट बिल्कुल ठंडा आएगा, ठीक है। अगर इस तरह करके ऐसे करोगे तो इसमें पानी है जो गर्म आएगा, अगर आप इसको इस तरफ करके करोगे तो पानी इसमें ठंडा आएगा। तो भाई नंबर दो पे आता है शावर। इसको कैसे ऑन करना है, इसको ऑन करना है उसके भी बिल्कुल दो तरीके हैं। ये जो है इसको अगर आप राइट साइड की तरफ करोगे तो इसमें पानी क्या है ठंडा आएगा, अगर इसको बिल्कुल लेफ्ट साइड करोगे तो इसमें पानी आ जाएगा गर्म। अब इसको ऑन कैसे करना है, जैसे मर्जी चलो भाई इसमें पानी नहीं आने वाला। अगर आप इसको ऐसे पुल करोगे थोड़ा सा, जितना जितना पुल करोगे उतना पानी आता रहेगा। अगर आप इसको ऐसे पुल करोगे तो पानी आएगा। भाई अब बात करते हैं, ये तो इंग्लिश हीट है, इंडिया के सभी घरों में होती है। इसका काम भी सेम ही है। इसको आप इस बटन को घुमाना है नोजल को, और आप इसको डैश 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 कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि इसमें दो प्रकार का पानी आता है, शावर में और नल में। अगर आप कनाडा न्यू आ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए देखना ज़रूरी था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब सक्रब वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।